नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही एक बड़े खुशखबरी के बारे में बात करेंगे एंड यहाँ पे बहुत मतलब जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट थोड़ा सा पेशेंटली जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत सारे ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है फिट जी आपने सुना ही होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जो लोग मतलब इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में तैयारी करते हैं वो लोग मतलब वो लोग एंड मतलब ये बहुत ही फेमस है। वो लोग छोड़ के भी जिन्होंने एमएससी वगैरह किया है उन लोगों को भी पता होगा कि फिट जी, पाथफाइंडर, ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, तो फिट जी जो है बहुत ही अच्छी एक इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए जो रिक्रूटमेंट होने वाला है 2000 यंग प्रोफेशनल की, तो 2000 यहाँ पे फैकल्टीज की नीड है। तो यहाँ पे पूरे इंडिया में, अक्रॉस ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे जो है 2000 जो है फैकल्टीज का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर इमिनेंट एक्सपेंशन वी आर रिक्रूटिंग एटलीस्ट 2000 यंग पैशनेट एंड हंग्री टू ग्रो फैकल्टी मेंबर्स विद डीप कमिटमेंट एंड एबिलिटी टू अनरवेल 100% ऑफ टोटल पोटेंशियल ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए जो पैकेज होता है ना, सैलरी पैकेज, मैं पहले ही क्यों बात कर रही हूँ सैलरी पैकेज के बारे में, बिकॉज लोग जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब बड़े बड़े जॉब को छोड़ के भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए आते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो पैकेज होता है वो बहुत ही शानदार पैकेज होता है, बहुत ही अच्छा सा पैकेज होता है। बट यहाँ पे मैं बता दूँ, जो जो यहाँ पे पैकेज आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए 18 एलपीए हो गया, 27 एलपीए और नीचे ऐसे 50 एलपीए है, यानी कि 50 लाख पर एनम। तो यहाँ पे मतलब इसके साथ ये भी बताया गया है कि जो एक्सीलेंट होगा, जो बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो बहुत स्किलफुल, जो बहुत एक्सपर्ट होगा उस सब्जेक्ट में, तो उनको ये चीज मिलेगा, मतलब इस लेवल पे जो सैलरी है वो मिलेगा। बट मैं बताऊंगी कि मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ये जो सैलरी है इसको देख के, मतलब बस सैलरी को देख के यहाँ पे अट्रैक्ट मत होइए। अगर आप पैशनेट है टीचिंग के प्रति, अगर आप पैशनेट है कि बच्चों को पढ़ाना है, आपका एम जो है वो फिक्स रहना चाहिए कि कोई भी बच्चा है वहां पे, जो जो बच्चा पढ़ने आए हैं उनको उनके जो ड्रीम है उस लेवल तक पहुंचाने का, जो भी वो क्वेश्चन पूछता है, जो भी उनका क्वेरीज है उसको अच्छे से समझना एंड उसको अच्छे से समझाना, ये दोनों चीजें जो उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत प्लीजिंग होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा आपसे डरे ना, आपसे मतलब ऐसे फ्रेंड की तरह पूछ सकते हैं जो कुछ भी है। तो यहाँ पे इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अगर आप सैलरी को देख के जाएंगे कि आपका पैशन नहीं है टीचिंग प्रति, फिर भी आप सैलरी को देख के अट्रैक्ट होते, मतलब आपके पास डिग्री वगैरह है बट आप जो है पैशनेट नहीं है टीचिंग के प्रति, तो आप ना यहाँ पे 2-3 महीना काम करेंगे उसके बाद आपको निकल दिया जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे फीडबैक भी लिया जाता है स्टूडेंट से कि कौन से टीचर मतलब कितना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपका फीडबैक खराब होगा तो आपको वो भी झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे रेमुनरेशन एंड टीचिंग कैटेगरीज पे। तो देखिए फिट जी लिमिटेड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं जो जूनियर साइंस ओलंपियाड हो गया, एनटीएसी इन क्लास 6 and 7 एंड प्रिपरेशन ऑफ आरएमओ जूनियर साइंस ओलंपियाड, जो प्रिपरेशन होता है ओलंपियाड वगैरह की, तो वो आपको कराना होगा। सब्जेक्ट ट्रैक्स क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड मैथ। आप लोग जानते ही है कि फिट जी, पाथफाइंडर, ये सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है ये जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होता है एज वेल एज जो मेडिकल के लिए चाहिए होता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, वो उस पर मतलब मेन फोकस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर टीचर्स केपेबल ऑफ गिविंग एक्सीलेंट एंड इम्पैक्टफुल सर्विसेज और बेटर सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 18 एलपीए। तो दिस इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। तो देखिए आप ये मत समझ लेना कि 18 एलपीए जो है वो फिक्स्ड सैलरी है, ऐसा नहीं है। इससे कम भी आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो वो नेगोशिएबल है। अगर आप अभी प्रेजेंटली वर्किंग है कहीं पे भी एंड आपको जो है लगभग बहुत ज्यादा मिल रहा है कहीं पे भी, वैसे तो आप स्कूल वूल में अगर करेंगे या फिर कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं जहां पे आपको 18 एलपीए के करीब ही मिल रहा है, तो आप जाके वो बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा है एंड आपको अभी जो पैकेज है वो कितना है, वो उसके साथ नेगोशिएबल मतलब है, वहां पे नेगोशिएट कर दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 19 बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर साइंस ओलंपियड हो गया एंड मैथमेटिकल ओलंपियड हो गया, उसके बाद विद फाउंडेशन ऑफ जेई मेन एंड एडवांस्ड एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स। तो वो तैयारी जो है क्लास 19 से ही स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चे एक्चुअल में मतलब बहुत सीरियसली प्रिपरेशन लेते हैं वो 19 से ही स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकेंगे कि
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स मैथ एंड सोशल स्टडीज ये सब्जेक्ट रहे अक्सर। ठीक है, फॉर टीचर्स केपेबल ऑफ गिविंग मतलब जो सैलरीज है वो स्टार्ट होता है 27 LPS है, बट यहाँ पे भी मैं बता दूं कि स्टार्टिंग मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है उस चीज में। पर इसे नीचे भी मिल सकता है, इसे ऊपर भी मिल सकता है, बट यहाँ पे आपका टैक्स वगैरह भी कटता है, तो इन हैंड सैलरी जो है वो बहुत ही कम, मतलब बहुत कम तो मैं नहीं बोलूंगी, बट यहाँ पे जो मेंशन कर दिया गया है ना इससे तो कम ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि मतलब मुझे ये चीज पता है, मेरे कोई मतलब कुछ जानकारी है तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11, 12 एंड 12 प्लस जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो प्रिपरेशन होता है जेई मेन एडवांस एंड 12 का बोर्ड एग्जाम जो होता है, एज वेल एज इंटरनेशनल साइंस ओलम्पियड एंड मैथमेटिकल ओलम्पियड, तो ये सारी चीजें प्रिपरेशन लेने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ाना है। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे 50 LPA आप देख सकते हैं, जो हाईलाइटिंग सैलरी है वो आप देख सकते हैं कि 50 LPA। उसके बाद देखिए फिर जी का स्कूल भी है जहाँ पे पीजीटी टीजीटी पीआरटी का नीड है इन ऑल रिलेवेंट स्कूल सब्जेक्ट्स एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया एंड केजीटी मदर टीचर्स एज पर 7th पे कमीशन और बेस्ड इन इंडियन स्कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट फिर जो मेडिकल के लिए अलग से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे मेल आईडी भी है, अगर कोई क्वेरीज वगैरह है तो फिर आप यहाँ पे जो है पूछ सकते हैं मेल वगैरह करके। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी पे चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स है कहीं पे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट पे काम कर चुके हैं सिर्फ वही कैंडिडेट्स को, या फिर कोई स्कूल में ऑलरेडी मतलब प्रेजेंटली वर्किंग है या फिर पास्ट में कभी काम कर चुके हैं उनका एक्सपीरियंस है उन्हीं को यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं इवन फ्रेशर्स विद द राइट एबिलिटी एंड पैशन फॉर टीचिंग आर वेलकम, तो फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो आपका जो है सब्जेक्ट एक्सपर्टीज मतलब बहुत सारी चीजों पे जो है ये मैटर करता है यहाँ पे सिलेक्शन होना। आपका पैशन तो मतलब वो तो सबसे ऊपर है कि टीचिंग टीचिंग के प्रति पैशन आपका बहुत होना चाहिए। आप हार्डवर्क कर सकते हैं, इसका वो एबिलिटी आपके पास है हार्डवर्क करने की, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क मेहनत करना होता है फैकल्टी मेंबर्स को, तो वो सारी चीजें अगर एबिलिटी वगैरह आपके पास है तो आप यहाँ पे रिक्रूट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो यहाँ पे देखिए जो मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है वो तो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीटेट टेड या फिर बीएड वगैरह क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री वगैरह किया है, जो भी चीजों के लिए जो डिग्री की नीड है वो अगर कम्प्लीट किया है तो यहाँ पे आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, कल्चर्ड, एडेप्टेबल टू चेंज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उस लोकेशन पे दे दिया तो आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ बच्चे मतलब कुछ बच्चे शरारती करते हैं, मतलब जो 9, 10 या फिर 6 to 8 की बात कर रही हूँ, तो वो सारे बच्चे जो हैं तो उनको भी टैकल करने की एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए एंड मतलब वो एनवायरमेंट को ही खराब कर दिया। ठीक है, प्लीजिंग एंड डायनामिक पर्सनैलिटी आपका होना चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल के साथ एटीट्यूड एंड ट्रेन फॉर स्किल्स। एंड यहाँ पे देखिए और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो चाहे वो बिना एक्सपीरियंस के हो, यहाँ पे सभी को जो है ट्रेनिंग के थ्रू गुजारना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेनिंग होगा उसमें जो है आपका पूरा ट्रेन किया जाएगा कि कैसा आपका मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह तो पहले ही देखा जाएगा, इंटरव्यू होगा, GD होगा वगैरह वगैरह होगा, सिलेक्शन और स्क्रीनिंग जो होगा तो उसमें देखा जाएगा, और किसी भी तरीके से कैसे आपको पॉलिश किया जाए, कैसे आपको एक अच्छा एक बहुत ही मतलब और भी एक्सपर्टीज कैसे आपको दिया जाता है वो ट्रेनिंग के द्वारा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले तो एक रिटेन सब्जेक्ट टेस्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसका कितना आपका मतलब वो है बेसिक वगैरह फंडामेंटल्स कितना क्लियर है वो देखने के लिए रिटेन होगा। उसके बाद एक एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। नेक्स्ट आपको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर GD कराया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन एंड देन मॉडल लेक्चर, एंड यानी कि डेमो देना होगा, एक डेमो क्लास एंड देन इन पर्सन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको सिलेक्शन प्रोसेस में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, तो देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब 2025 फेब्रवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अलग अलग फेज में यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, जैसे कि फेज 1 में अगर देखा जाए
देखिए इस साल तो 2024 में दो फेज में रिक्रूटमेंट होगा, फेज वन फेज टू। फेज वन में देखिए 29 सितंबर से स्टार्ट होगा एंड इसका लास्ट डेट है 17 सितंबर। आपका ज्वाइनिंग डेट आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर। ठीक है, फेज टू जो है उसका दो स्केड्यूल है, टू स्केड्यूल टू ए स्केड्यूल टू बी, 27 अक्टूबर एंड 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा फिर से एप्लीकेशन एंड लास्ट डेट आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर एंड 12 नवंबर। दोनों स्केड्यूल का यानी कि पूरे फेज टू का जो ज्वाइनिंग डेट है वो 8 दिसंबर को होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2025 आ जाता है जिसमें स्केड्यूल वन ए स्केड्यूल वन बी, जिसमें 19 जनवरी एंड 23 फरवरी को फिर से जो है एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 जन एंड 11 फेब इज द लास्ट डेट एंड सॉरी आर द लास्ट डेट एंड यहाँ पे 2 मार्च एंड 30 मार्च को यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, मतलब जैसे स्केड्यूल का जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उनका ज्वाइनिंग का डेट आप देख सकते हैं, उस डेट के अकॉर्डिंग आपका ज्वाइनिंग फिक्स रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 500 लोकेशंस है वो पोजीशन एग्जिस्ट एट ओवर 500 लोकेशन नाउ एंड इन द नियर फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि अभी के लिए 500 लोकेशन में है, बट इन फ्यूचर भी कुछ प्लानिंग में है, इन फ्यूचर भी कुछ जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए अब्रॉड में भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि अब्रॉड में काम करने के लिए वो भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया से वो बाहर जाके जो है मतलब कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही शानदार जो है आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर इसको ग्रैब कीजिए। मैं तो बोलूंगी कि मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन डाले, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ठीक है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट आप जा सकते हैं यहाँ पे fidji.com करके आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा। बट अगर आपको लॉगिन वगैरह करना है तो fidji.com आपको करना है। एचआर इन द सेंस की ह्यूमन रिसोर्स, आप देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे आके आपको सारे के सारे जो लॉगिन वगैरह है अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो वो करके आप फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी जो भी डाउट्स है वो 100% क्लियर करने के लिए। एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी वीडियो देखने की जरूरत है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।